ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के मशहूर गुघाल मेले में, जहां 4 अक्टूबर 2018 को नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम एक शाम कौमी एकता के नाम एक तारीख साज ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। सहारनपुर के गांधी मैदान में 50,000 से 60,000 लोगों का जनसैलाब, मुनव्वर राना, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी को एक साथ पर देखकर सरप्राइज था। इस मुशायरे में शासन प्रशासन के बड़े बड़े अफसर, नगर निगम के मेयर, सभी पार्षद, सभी सियासी समाजी पार्टियों के लीडरान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, वकील के साथ सहारनपुर के सभी मौजिज हजरात जलवा अफरोज थे। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब मंसूर बद्र साहब, जो सहारनपुर के वार्ड नंबर 43 के हर दिल अजीज पार्षद हैं, साथ ही अमन भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मंसूर बद्र उत्तर प्रदेश के इकलौते पार्षद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से चौथी बार जीत हासिल की। मंसूर बद्र के मरहूम वालिद अयूब हसन बद्र साहब अदब नवाज शख्सियत थे। उन्होंने सहारनपुर में 25 मुशायरे का इनेकाद किया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मंसूर बद्र ने सहारनपुर में अब तक 20 मुशायरे ऑर्गेनाइज किए हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर मंसूर बद्र और उनके वालिद की इस उर्दू खिदमात का एतराफ करते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। ये मुशायरा आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद वक्त रहा और सदरे अली वकार की इजाजत मिली तो हाशिम को आप जितना सुनना चाहेंगे मैं सुनवाऊंगा। आगे बढ़ता हूं, एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं ताकि थोड़ा सा ये जो संजीदगी है, इस संजीदगी को और इस माहौल को और इस जायके को तब्दील करने के लिए एक शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। या अगर मुझे कहने दें सहारनपुर के अच्छे लोगों, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। तो आइए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं तंजिया और मजाहिया शायरी के लिए सज्जाद झंझट से मुलाकात करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद झंझट, सलाम वालेकुम। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान से बाहर से आया, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। अरे वाह 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 वाह, मेरे कर्म फरमा गुलाम रब्बानी साहब का हुक्म, मंसूर बद्र साहब को मुबारकबाद। मेरे एक और भाई जावेद साबरी साहब तशरीफ रखते हैं। एक इंतजामिया से शायरों की तरफ से एक चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, शायरों की तरफ से इंतजामिया। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ। मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। भाई सज्जाद झंझट कमाल है यार, वाह 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 वाह। नहीं नहीं मैं बताना चाहता हूँ, हाँ तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ। मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें। चाय चाहता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो अभी इस तरीके का दौर
एक नेता जी उपदेश दे रहे थे, सड़क के किनारे ही खड़ो के उपदेश दे रहे थे, बहुत उपदेश दे रहे थे कि हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। पीछे से कुत्ता है उनके, काट के चला गया। देखिए सज्जाद झंझट, जरा आधे मिनट के लिए रुकेंगे। ये जो हमारे साउंड ऑपरेटर हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि हमारी महफिल में पीछे की साइड में आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, वहां देखें कि क्या गड़बड़ है, और अगर वहां किसी तरह की जरूरत है इंतजाम करने की तो वो इंतजाम करें। और जरा सा मेरे माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो मैं भी उन्हें दुआएं ही दूंगा। बहरहाल तो सज्जाद झंझट माइक, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाजिम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह। क्या कहना, क्या कहना सज्जाद, वाह 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 वाह। कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था, थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था, वाह बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था, किसका था, वाह थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था, बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था, और ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, ओहो ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बताइए जाना काम किसका था, मुझे बताइए जाना काम किसका था। और ये भी शेर देखें, कुछ पानी की बोतलें भी इस तरीके से आई, और मैं एक मुहावरे का इस्तेमाल से बुलाता, वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने। किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बताइए जाना काम किसका, वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। भाई वाह 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 वाह, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। अरे एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, जरूरत के तहत हुआ है, किसी की दिल अगर दुखाने वाली बात नहीं, मुलाहजा फरमाए, कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़, ओहो कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़, जो दाग पाई है इतनी कलाम, कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़, जो दाग पाई है इतनी कलाम किसका था। और ये भी शेर मुलाहजा करें कि खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया है बे, खता किसी की। अरे वाह 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 भाई सज्जाद, क्या कहना, जिंदाबाद। खता किसी की, खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किस। अच्छा, गोश्त बंद होने पे अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त बंद होने से पहले हर तरीके से आदमी गोश्त का इस्तेमाल, हमने भी एक तीन दोस्त है, हमने गोश्त का इस्तेमाल इस तरीके से किया, कुछ शामी कबाब बनाए और कुछ चाह के पिकनिक बतौर हट के खाया जाए, तो कलियर शरीफ की तरफ निकल गए, और उससे आगे चल के एक कोल्ड ड्रिंक बड़े वाली, कुछ कबाब, तीन हम साथ, दो मेरे दोस्त, इत्तफाक देखे जब वहां पहुंचे तो थैले में से शामी कबाब तो निकले, इत्तफाक से कोल्ड ड्रिंक नहीं निकली। अब कोल्ड ड्रिंक कोई बात नहीं, हमने जो सब में छोटा था जिसमें हुक्म चल सकता था, हमने यार कलियर शरीफ बराबर में कोल्ड ड्रिंक लिया, भूखा था जरा सा, उसकी नियत भी ऐसी थी कल ने तुम कबाब खा लोगे। नहीं नहीं बिल्कुल
कबाब नहीं खाने का इतने तो बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगा। खैर साहब बहुत उससे कहा, वो जाने को तैयार, अल्लाह की कसम नहीं खाने का बस अल्लाह की। खैर साहब वो चला गया और देखे साहब जाने के बाद 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 45 मिनट डेढ़ घंटा हो गया। और उसे जब नहीं आया तो हमने भी सोचा कि यार मजबूरी है, क्या किया जाए। हमने निकाले कबाब, कबाब उठा के मुंह तक ही ले गए थे तो पेड़ के पीछे से बोला, अगर इस तरह करोगे तो मैं जाने का नहीं। आज डायस पे सबसे बड़ा मुशायरा इसलिए कि हमारे किबला मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जनाब राहत इंदौरी साहब, जनाब मुनव्वर राणा और जनाब मोहतरम वसीम बरे, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और एक और मेरे करम फरमा जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं और अल्ताफ जिया और इकबाल अशर साहब सीनियर शायरों में से खुर्शीद हैदर और ये सब लोग वो कि आज मुशायरे की कामयाबी माशाल्लाह। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ऐसे वक्त खिदमत का मौका। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब गोश्त बंद हुआ उसके बाद कुछ ऐसी परेशानी हमारे साथ ही आई कि जब मेहमान आ गया उस दौरान तो मेहमान गोश्तखोर माशाल्लाह मुसलमानी मेहमान, उसमें हालत ये हुई कि उसके सामने गोश्त नहीं किया तो ये के मेहमान नवाजी के लिए उसको निभाने के लिए मेहमान नवाजी को तो अंडा करी, उससे मुतालिक चीज मैंने कहा यार अंडा करी उसके सामने पेश करी, उसके तासुरात देखे, उसके बाद चार मिसरे मुलाजा फरमाए। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, इस्तकबाल कीजिए सज्जा झंझट का। भाई वाह वाह वाह। अभी मैं आ रहा था तो एक मिठाई की दुकान पे मैं सोचा कुछ मीठा खा ले जाए, बहुत अच्छी तवाजो इनकी तरफ से हुई मेरे रब्बानी साहब में, तो मीठे की दुकान में तो इत्तफाक देखे मिठाई सजी हुई मिठाई की दुकान पे, तो एक साहब आके वहाँ एकदम खड़े हो गए, दुआ मिठाई के सामने आके ऐसे खड़े हो गए, पढ़ने लगे। मिठाई वाले बोले, भैया क्या है ये, क्या मामला है? कल अब्बा का इंतकाल हो गया था, फाता तेरा। अब मुलाजा फरमाए चार विषय इसी तरीके से, एक ताजा गजल और एक ताजा हजल और उसके बाद आपसे इजाजत क्योंकि तवील फहरिस्त है। मुलाजा फरमाए जी भाई, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, क्या कहना है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। वाह 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 वाह, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले, और जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों। अच्छा, जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है तू क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। वाह बाबा, जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले, और शादी रचाने जिससे चली वो है शराबी। शादी रचाने जिससे चली वो है शराबी, शादी रचाने जिससे चली वो है शराबी, है उसका तो घर बार जरा ये भी देख। वाह 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 वाह, है उसका तो घर बार जरा ये भी, ऐसी गिजा जो देती है तकलीफ बाद में, ऐसी गिजा जो देती है तकलीफ बाद में, छुआरे निकाह के यार। वाह 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 वाह, सज्जाद झंझट साहब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने उनके कलाम पर उनको भरपूर पजीराई के साथ रुखसत किया। हजरात गिरामी, मैं चंद अदब दोस्तों का सूद बद्र साहब, जो भाई मंसूर बद्र के बड़े भाई हैं और उनकी बड़ी कर्म फरमाइयाँ इस मुशायरे में शरीक हैं, नासिर खान साहब, औसाफ गुड्डू साहब, जनाब मशाहिर खान साहब, जनाब मसरूर बद्र साहब, इन तमाम हजरात को, गुलाम रब्बानी साहब और मंसूर बद्र साहब को इस मुशायरे की कामयाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें, YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MED
IA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।